नमस्कार, एनबीसी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के साथ रविवार यानी कि 27 मार्च को एक दुर्घटना हो गई। पटना के बख्तियारपुर में कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने उनके पीछे से आकर उन्हें मुक्का जड़ दिया। सीएम की सुरक्षा में मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया है। युवक की पहचान बख्तियारपुर के शंकर के रूप में हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार 2 दिवसीय निजी दौर पर बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण पर हैं। शाम को सीएम बख्तियारपुर में शीलभद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, तभी भीड़ से निकलकर शंकर सिक्योरिटी गार्ड के सामने से होकर मंच पर पहुंचे और पीछे से सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। वहीं इस मामले पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जांच का आदेश दिया है। इस मामले में जो भी पुलिस अफसर दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश को मारने वाले आरोपी के चाचा नवल किशोर वर्मा ने बताया कि 1.5 साल पहले पत्नी ने शंकर को छोड़ दिया था। इसके बाद से आरोपी शंकर मानसिक तौर पर बीमार था और वह छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पड़ोसी ने आरोपी को मानसिक तौर पर बीमार नहीं बताया है। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।